हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल वाइज। तो आज की वीडियो आप सभी स्मार्टफोन यूजर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और खास करके जो एक नया अच्छा खासा स्मार्टफोन परचेस करने की सोच रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अमेजोन पे भी एक नई सेल जो है वो लॉन्च कर दी है, जो कि यहाँ 25 से लेकर 29 जुलाई तक जो है वो चलने वाली। सेल का नाम यहाँ पे आपको रखा गया है मोबाइल सेविंग डे सेल, जो है वो आप अमेजोन पे भी देखने को मिल रहा है और फ्लिपकार्ट पे भी आपको सेल्स वगैरह जो देखने को मिल रही है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले अंडर 25,000 रुपीज में अगर आप एक अच्छा खास स्मार्टफोन परचेज करने की सोच रहे हैं, तो आज के वीडियो में टॉप 5 स्मार्टफोन आपको अंडर 25,000 रुपीज आपको देखने को मिलने वाली। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो को आप पूरा एंड तक देखो। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे थे टॉप 5 स्मार्टफोन अंडर 25,000 रुपीज, जो कि आपको अमेजोन पे सेल्स के दौरान जो आपको ये सारे स्मार्टफोन जो आपको देखने को मिल जाएगी, और फ्लिपकार्ट पे भी आपको स्मार्टफोन जो है वो सेल्स में कुछ यहाँ पर डिस्काउंट वगैरह जो आपको मिलने वाले हैं। तो आज की वीडियो में टॉप 5 स्मार्टफोन अंडर 25,000 रुपीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टॉप 5 स्मार्टफोन फोन से लेकर टॉप 1 स्मार्टफोन तक की बात करने वाले हैं, और वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इन सब स्मार्टफोन की प्राइस आपको कितनी देखने को मिलती है, और कौन कौन सा कार्ड अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको प्राइस जो है वो और भी कम देखने को मिलने वाली है। सबसे पांचवें नंबर स्मार्टफोन की बात की जाए, जो कि निकल के आई है मेरे लिस्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर Xiaomi 11 Lite ME 5G। जी हाँ, यहाँ पे आपको ये स्मार्टफोन जो टॉप 5 में आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसके स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो वो काफी तगड़ी स्पेसिफिकेशन निकल के आ रही है। सबसे पहले अगर इसके प्रोसेसर की बात की जाए तो Qualcomm Snapdragon 778G 5G का प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसकी अगर लाइट वेट की बात की जाए, लाइट वेट जो है वो आपको जो है 158 ग्राम का आपको जो है लाइट अल्ट्रा लाइट वेट आपको देखने को मिल जाता है, और ये आपको 5G प्रोसेसर के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसके कैमरा सैंपल्स की बात की जाए, कैमरा सैंपल आपको 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो कि आपको 50+ डायरेक्ट मोड जो है वो आपको बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं, और साथ में ये स्मार्टफोन आपको NFC सपोर्ट भी करता है, और साथ ही साथ इसमें जो है आपको जो 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि HDR10+ जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, और भी बहुत सारे इसमें स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आप जो है इसके पूरे डिटेल्स जो है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। और इस स्मार्टफोन की खास बात ये है कि आपको 6 मंथ की आपको फ्री आपको स्क्रीन रिप्लेसमेंट की यहाँ पे आपको गारंटी देखने को मिलती है। 6 महीने के अंदर आपका डिस्प्ले खराब हो जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है तो यहाँ पे आपको रिप्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, एंड मिनिमम 3 मंथ एडिशनल नो कॉस्ट EMI जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जो कि एडवांटेज है आपको जस्ट फॉर प्राइम मेंबर्स के लिए यहाँ पे एडवांटेज जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और फिर इसमें बहुत सारे स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलती है। इसकी बात की जाए इसमें आपको 128 GB की आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है, साथ में आपको डुअल सिम वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको जो है और क्या बताऊं, 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आपको जो है और भी बहुत सारी डिटेल्स जो आपको और भी आप लिस्ट चेक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारी निकल के आ जाएगी। अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे दूसरे नंबर की, मतलब चौथे नंबर के स्मार्टफोन जो है वो कौन सा निकल के आया मेरे लिस्ट के अकॉर्डिंग, जो कि यहाँ पे आपको Xiaomi की तरफ से Xiaomi 11i 5G जो है वो यहाँ पे स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। जी हाँ, इस स्मार्टफोन के अंदर जो आपको 6 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, और साथ में इसके अंदर आपको 67 वाट का आपको जो है फास्ट चार्जर जो आपको देखने को मिल जाता है, और जो कि आपको सुपर चार्ज जो है वो सुपर स्मूथ जो है वो 50% जो आपको 50% चार्ज आपको 13 मिनट में आपको ये स्मार्टफोन जो है वो फुल चार्ज करके, मतलब 50% चार्ज करके जो आपको दे देगा। इसकी अगर प्रोसेसर की बात की जाए, इस स्मार्टफोन में आपको MediaTek Dimensity 920 5G का यहाँ पर प्रोसेसर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि काफी तगड़ा प्रोसेसर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस स्मार्टफोन के साथ आप गेमिंग भी काफी अच्छे से आप कर सकते हो। इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात की जाए, स्क्रीन रेजोल्यूशन जो है आपको 120 हर्ट्ज का वो फुल HD+ यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो है वो आपको देखने को मिल रही है, सॉरी एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिल रही है। इसके अगर कैमरा सैंपल्स की बात की जाए, कैमरा सैंपल जो है 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप जो आपको देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ इसमें जो आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल रही है, और साथ में आईपी रेटिंग जो 53 रेटिंग जो है वो आपको देखने को मिल जा रही है। अब मैं बात करने वाला इसकी जो है डॉल्बी एटमॉस्फेयर साउंड जो अगर सबको देखने को मिलता है, और इसके ऑन दी बॉक्स आपको 67 वाट का आपको चार्जर देखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी बात यहाँ पर निकल के आ गई है। ये भी आपको बहुत सारे अच्छे डील्स में आपको देखने को मिलते हैं, जो कि इसके लास्ट में मैं प्राइस बताऊंगा कि प्राइस वगैरह आपको कितनी देखने को मिल रही है। अब मैं बात करने वाला तीसरे नंबर में मेरे लिस्ट के अकॉर्डिंग कौन सा स्मार्टफोन निकल के आया,
जो कि तीसरे नंबर पे यहाँ पे आपको देखने को मिलती है ओप्पो रेनो 8 5G। जी हाँ, यहाँ पे आपको ये वाली स्मार्टफोन जो है ओप्पो की तरफ से निकल के आई है, जिसके स्पेसिफिकेशन की बात करें स्पेसिफिकेशन काफी तगड़ी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, जिसके अंदर आप 8GB रैम 128GB रोम जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। मीडिया टेक डायमेंसिटी जो है वो 1300 का यहाँ पे प्रोसेसर देखने को मिला, जो कि ऑक्टा कोर 3GHz पे जो है वो बेस यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। इस स्मार्टफोन के अंदर भी आपको 50+8+2 मेगापिक्सल के आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, और फ्रंट जो है आपको सेल्फी शूटर जो है 32 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी शूटर जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अब मैं बात करने वाला हूँ इसकी डिस्प्ले की, डिस्प्ले जो आपको 6.43 इंच की आपको फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, और इसके अंदर बैटरीज की बात की जाए तो बैटरी आपको 45,000 mAh की आपको बैटरी जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल, और छोटे मोटे सेंसर जो है वो सारे कुछ जो है इसके अंदर जो है अवेलेबल कराए गए हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ मेरे लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है दूसरे नंबर पे स्मार्टफोन कौन सा देखने को मिलता है, जो कि निकल के आया था रेडमी K50i 5G, जो कि रेडमी की तरफ से जो स्मार्टफोन देखने को मिलती है। इसके अंदर भी आपको 6GB रैम 128GB जो है रोम देखने को मिल जाते हैं, और साथ में इसके अंदर जो है प्रोसेसर की बात की जाए तो फ्लैगशिप मीडिया टेक डायमेंसिटी 8100 की यहाँ पे प्रोसेसर जो है वो आपको देखने को मिल जाती है, जो काफी तगड़ा प्रोसेसर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, और साथ ही साथ इसमें आपको रिफ्रेश रेट की बात की जाए रिफ्रेश रेट जो है 144Hz की जो लिक्विड FFS डिस्प्ले जो है आपको देखने को मिल जाती है, जो कि एलेक्सा बिल्ट इन आपको इसके अंदर जो है आपको देखने को मिल जाती है। अब मैं बात करने वाला इसमें जो है प्रोसेसर जो है वो काफी अच्छा है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया जो आपको 8100 का आपको प्रोसेसर देखने मिल जाता है, और इसके अंदर भी आपको 64 मेगापिक्सल की आपको क्वाड डबल कैमरा सैंपल जो आपको देखने को मिल जाते हैं, और इसके अंदर जो है अगर मैं चार्जर की बात की जाए तो चार्जर जो है वो भी आपको 67 वाट का जो है वो टर्बो चार्जर फुल डे जो चार्जिंग जो है वो 15 मिनट में आपको जो है वो 50% जो है पूरा चार्ज स्मार्टफोन को कर देगा। साथ इसमें भी आपको डुबल एलेक्सा का जो सपोर्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ जो है ये जो है आपको 12 5G बैंड जो है इसके अंदर दिए गए हैं, जो कि आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हेल्प करने वाले हैं, और साथ में इसमें अंदर जो आपको 3.5mm का ऑडियो जैक भी जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये तो थी इस स्मार्टफोन की कुल स्पेसिफिकेशन, और ये जो है आपको गेमिंग स्मार्टफोन के नाम से भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो मेरे लिस्ट में सबसे पहला नंबर का स्मार्टफोन जो निकल के आता है, जो कि मेरे रिकॉर्डिंग जो है नंबर 1 पे रहने का इसका रीज़न ये है, क्योंकि ये जो है आपको पोको F4 5G जो है वो आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, जिसकी स्पेसिफिकेशन जो काफ़ी तगड़ी यहाँ पे वो देखने को मिलती है इस प्राइस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको की स्पेसिफिकेशन की बात की जाए स्नैपड्रैगन 870 का यहाँ पे आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि ऑक्टा कोर जो है 3.2 GHz सिंगल कोर प्लस आपको 2.42 GHz आपको जो है वो आपको यहाँ पे आपको इसका प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 1.8 GHz पे जो है क्वाड कोर पे यहाँ पे बेस है, और साथ में इसके अंदर जो आपको 6GB रैम जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। अब मैं बात करने वाला इसकी डिस्प्ले की, डिस्प्ले साइज जो आपको 6.67 इंच की आपको एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है, जिसके रिफ्रेश रेट की बात की जाए तो आपको 395 PPI जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, साथ में 120Hz का आपको रिफ्रेश रेट जो आपको देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले में आपको और गोरिल्ला ग्लास 5 की जो प्रोडक्शन देखने को मिला, जो कि बेजल लेंस के साथ जो है वो यहाँ पे आपको पंच होल डिस्प्ले के साथ जो है वो आपको ये स्मार्टफोन आती है। अब मैं बात करने वाला इसकी कैमरा सैंपल्स की, कैमरा सैंपल आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप जो है इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आप 64 मेगापिक्सल वाइड एंगल प्राइम कैमरा जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है, 2 मेगापिक्सल की माइक्रो कैमरा जो है आपको देखने को मिलता है, साथ में आपको LED फ्लैश, और साथ में आपको 4K 30fps तक जो है वीडियो रिकॉर्डिंग जो है आप इस स्मार्टफोन की हेल्प से आप कर सकते हो। अब मैं बात करने वाला इसकी फ्रंट कैमरा सैंपल जो है वो काफी अच्छा यहाँ पे निकल के आया, जो कि आपको 20 मेगापिक्सल की आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जो है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि आप फुल HD जो है और 30fps पे भी आप फ्रंट कैमरा से जो आप रिकॉर्ड वीडियो कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे आज की वीडियो से आपको सारा कोई इन्फॉर्मेशन मिला हो कि इन सभी स्मार्टफोन की प्राइस जो है वो कितनी देखने को मिल रही, और इस सेल में आपको ये सारे स्मार्टफोन जो है वो इसी प्राइस में आपको देखने को मिलते हैं। तो आई होप अगर आज की वीडियो से आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, आपको ये 5 स्मार्टफोन अच्छा लगा हो, अगर आप भी बाय करने की सोच रहे हो तो आप जो मुझे बाय कौन सा स्मार्टफोन करने वाला आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। तो जल्दी मिलते हैं कुछ नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।